हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली जिले के सबसे बड़े बांगड़ अस्पताल में आज तकनीकी खराबी के कारण यहां के प्रमुख चिकित्सक करीब 1.5 घंटे से भी अधिक समय तक लिफ्ट में फंसे रहे, जिसको लेकर अस्पताल प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। 1.5 घंटे के बाद तकनीकी कर्मचारियों ने अस्पताल पहुंचकर बंद लिफ्ट को शुरू करवाया, तब जाकर ये डॉक्टर बाहर निकल पाए। इन चिकित्सकों ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से जिस कंपनी को अस्पताल भवन व तकनीकी उपकरण लगाने का काम दिया गया है, उसका कार्य इतना घटिया है कि आए रोज कोई ना कोई घटना अस्पताल के नए भवन में घट रही है, जहां गायनिक वार्ड में अंदर नवजात बच्चों पर 2 बार POP के छत गिर चुके हैं, वहीं कई बार चिकित्सक व जच्चा बच्चा लिफ्ट अचानक खराब हो जाने के कारण इसमें फंस जाते हैं। इसको लेकर पूरी घटना की जांच करवा कर दोषी ठेकेदार के खिलाफ चिकित्सकों ने कार्रवाई करने की मांग की है। सर, कैसे फंसे? कैसे फंसे और भाई, ये तो लिफ्ट ऑपरेट हो चुकी है, उन्होंने कहा ऑपरेट हो गई है, पेशेंट के वार्ड में जाती है हमारी सीधी, ठीक है। मैं राउंड लेकर नीचे उतर रहा था, ठीक है, उसके बाद जैसे लिफ्ट में घुसे लिफ्ट बंद हो गई और कम से कम 1.5 घंटे से फंसा है, 9:15 लगा कर आप निकला हूँ मैं बाहर। तो ये तो हम लोगों के लिए, तो जो कंपनी जिसने लिफ्ट लगाई है, दैट इज 100% रेस्पॉन्सिबल, दैट इज 100% रेस्पॉन्सिबल कि अपना रेस्क्यू करने से पहले, वो स्टार्ट करने से पहले सारी चीज़ें फंक्शनिंग करें, कि कम से कम प्रॉपर लाइटिंग करें, उसकी जनरेटर की व्यवस्था करें। पिछली बार 1 घंटे तक वहाँ फंस गए थे, ये लिफ्ट की प्रॉब्लम हर बार होती है, तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना वाली बात है कि डॉक्टर फंस रहे हैं, स्टाफ फंस रहा है, तो ये लिफ्ट लगाई क्यों जा रही है, या फिर कंपनी को बैन किया जाए, जो कंपनी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वो उसको बैन किया जाए। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।